मंगलवार को यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं ने गोलघर के इंदिरा गांधी प्रतिमा के पास दुर्घटना से बचने के लिए नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों और सड़क संकेतों के बारे में जन जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में दोपहिया वाहन चालक हेलमेट धारण करके ही वाहन चलाएं, चार पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट बांधकर ही वाहन चलाएं, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन ना करें, वाहन चलाते समय मोबाइल और हेडफोन का प्रयोग ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा। लोगों के समक्ष एक नुक्कड़ नाटक लेके पेश हुए हैं जिसका शीर्षक है रोड सेफ्टी। बुरी नजर ना रोड पे डालो, अरे बने बनाए रूल ना तोड़ो, सबसे आगे होंगे हेलमेट वाले। हेलमेट वाले हमने कहा जो तुम भी करो, नहीं पीछे भी दाएं भी नहीं बाएं भी ऊपर ही नहीं नीचे भी। और भी देखिए इस लड़के को किस तरह से अपने पिता को बेवकूफ बना करके 2 लाख की बाइक खरीदी और किस तरह से प्रलोक को टिकट कटवा लिया। हेलो, हाँ भाई कहाँ है तू? अरे यार जल्दी आ जा घर पे। हाँ जल्दी आ। अरे भाई खुशी है, बड़ी खुशी है। क्या बात कर रहा है? अरे यार बाइक मिल गया मुझे। मिल गया तेरे को? अरे यार 2 दिन भूख हड़ताल। क्या बात है? अरे ऊपर से ये मगरमच्छ की आंसू। क्या बात? उदास चेहरा यार। पापा का मन निकल गया, मुझे बाइक मिल गई यार। अरे भाई पार्टी तो मिलनी चाहिए, एकदम चल तेरे को पार्टी में देता। पार्टी आ जाए, अब देख मेरी स्पीड, हवा से बात करूंगा। चल चल पहले चलते हम लोग। हाँ फोन करूंगा, रुक रुक करता हूँ। बेटा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पापा कॉलेज जा रहा हूँ, उसके बाद कोचिंग करके रात में वापस आऊंगा। तो ठीक है, पर बाइक आराम से चलाना है। अरे पापा एकदम एकदम मान लिया बात। चल यार अब देख मेरे पैर जमीन पे नहीं आसमान में रह गए। रुक रुक रुक, उसको भी फोन कर लेता हूँ, पार्टी दूंगा। हेलो हेलो, हाँ हेलो भाई। अरे यार जल्दी आ जा, तेरे को पार्टी देता हूँ। हाँ कसम से बाइक मिल गई यार। अरे 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 ये क्या लिखा आंखें पुरुरु पुरुरु, ये गोरे गोरे गाल पुरुरु पुरुरु, ये बिखरी बिखरी झंझे पुरुरु पुरुरु, ये ही मिल जैसी चाल। अरे ला इसके गाड़ी चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना, वरना पर लोग दर्शन हो जाएंगे। कितनी अच्छी सी गाड़ी है। अरे यार तेरे बाइक आती है तो ब्रेक दबाने की जगह वो चिल्लाना कहाँ का लॉजिक है भाई? ज्यादा पी रखिए, पहले मेरा 1 साल का जवाब दे। अब तू एक में दो दोनों सवाल का जवाब मैं ही दूंगा। ये बताया लड़कियाँ ऐसी क्यों होती है? लड़कियाँ चालू होने तो दे। आज फिर पीने की तमन्ना है, आज फिर मस्त का इरादा। यातायात के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों और संस्थाओं ने इसमें भाग लिया और इन्होंने आम जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं आभारी हूँ एसपी ट्रैफिक साहब का, श्री एपी वर्मा जी का, जिनके सौजन्य से, जिनकी टीम के सौजन्य से यह कार्यक्रम
इंदिरा बाल विहार पर आयोजित हो सका और इस तरह के कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम गोरखपुर की जनता को, आम जनता को हमेशा जागरूक करने का प्रयास करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे। जब तक एक एक व्यक्ति को हम इस बात को समझा नहीं लेंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, हेलमेट क्या होता है और ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के चलना हमें जरूरी है, तब तक ये हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जागरूक करते रहेंगे। मैं आभारी हूँ पूरे यातायात पुलिस विभाग का और मैं आग्रह करता हूँ माननीय एसपी ट्रैफिक साहब से कि आप भी अपना कुछ संदेश। एनएसएस के सभी बच्चों का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अल्प समय में और इतने अच्छे से छोटी छोटी लघु नाटिकाएं जो है बिल्कुल ट्रैफिक के नियमों के विषय में जनता को जागरूक करने के लिए बनाया है और यहाँ पर उसका प्रदर्शन किया। आप सभी लोगों का यातायात विभाग धन्यवाद देता है कि आप लोग हमारे सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं और तत्पर बने हुए हैं, तत्पर रहेंगे और वक्त वक्त पे आप लोग जनता को जागरूक करते रहेंगे। इस प्रयास के लिए और मिश्रा जी का एनएसएस के अध्यक्ष इनका मैं धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये यातायात विभाग के यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए एनएसएस के बच्चों द्वारा आज अपना योगदान दिया गया है और इसमें इनके जो विभागाध्यक्ष हैं एनएसएस के विभागाध्यक्ष श्री सौरभ मिश्रा जी, या आप सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों की मुहिम में अपना सहयोग प्रदान किया है और हम इन लोगों के आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं इन सभी। सर आगे भी इस तरह की कोई? जी हाँ बिल्कुल, आप बच्चे बिल्कुल तत्पर हैं, इनको गोरखपुर में सभी को यातायात नियम सिखा देना, ये लोग ठाने हुए हैं, इनका ठानना जो है किसी दिन फल यहाँ पे फलदायक होगा और गोरखपुर की जनता जो है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगी, ये उनकी सुरक्षा के लिए है।